बाबा सिद्दीकी केस में 11वीं गिरफ्तारी। मुंबई पुलिस ने हरियाणा से आरोपी अमित कुमार को दबोचा। सलमान को धमकी देने वाला भी धरा गया। बाबा सिद्दीकी केस में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम अमित कुमार है, वो हरियाणा का रहने वाला है। दरअसल इस मामले में पहले पकड़े गए आरोपियों के बयानों के बाद पुलिस को अमित के बारे में क्लू मिला था, जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है, जिसमें सुपारी को लेकर हत्या, व्यापारिक दुश्मनी और मुंबई में झुग्गी रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के संबंध में धमकियों की संभावना शामिल है। हालांकि इस केस के मास्टरमाइंड जीशान अख्तर और शुभम लोनकर अभी फरार हैं। शुभम अनमोल विश्नोई के टच में था। जांच में बात सामने आई है कि तीन शूटर्स ने मर्डर से पहले लॉरेंस विश्नोई के छोटे भाई अनमोल से बात की थी। ये बात स्नैपचैट के जरिए हुई थी। अनमोल आरोपियों से अमेरिका और कनाडा से कॉन्टैक्ट में था। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बाबा सिद्दीकी के सिक्योरिटी गार्ड को भी सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने घटना के समय बाबा सिद्दीकी के साथ मौजूद पुलिस सिक्योरिटी गार्ड शाम को सस्पेंड कर दिया। पुलिस के मुताबिक सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले हमलावरों के खिलाफ सिपाही सोनावड़े ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। एक आरोपी ने बताया कि मर्डर के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे गए थे। आरोपी राम कनौजिया ने पूछताछ के दौरान बताया कि सबसे पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिला था और उसने इसके लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। पुलिस ने कहा कि इससे पहले गिरफ्तार आरोपियों में से एक के फोन में बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान की एक फोटो भी मिली थी, जिसे आरोपी को स्नैपचैट के जरिए उसके हैंडलर्स ने भेजा था। उधर सलमान को धमकी देने वाले के बारे में पता चल चुका है। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सब्जी बेचता है। उसने सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी थी और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। मुंबई पुलिस ने जमशेदपुर से उसे हिरासत में लिया। उसने हाल ही में टीवी पर लॉरेंस द्वारा सलमान खान की हत्या की धमकी की खबर देखी थी। इसके बाद उसे रंगदारी मांगने का विचार आया। इस शख्स ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज भेज दिया और इसके बाद अपना मोबाइल बंद कर दिया। हिरासत में लिए गए व्यक्ति का नाम शेख है और उसकी उम्र 24 साल है। शेख ने माफी मांगते हुए एक मैसेज भी भेजा था। जमशेदपुर में लोकल पुलिस की मदद से जांच पड़ताल की गई और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाबा सिद्दीकी केस में लगातार पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। अब तक इस मामले में 11 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन पुलिस ने कुछ आरोपियों को डिटेन भी कर रखा है। यानी ये संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन मास्टरमाइंड अभी तक फरार है।